स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एमसीक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि प्लांट में किस तरह का क्या एक्सक्रीटा के फॉर्म में निकलता है, क्या वेस्ट होता है, ठीक है। जैसे फ्रूट्स जो होते हैं पक जाते हैं, वो भी एक तरह से उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो गिर के निकल जाता है। लीफ के बारे में भी बताया, इस तरह से करके मैंने वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया। एमसीक्यू हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। हम लोग ने ऑलरेडी कुछ एमसीक्यू फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब कुछ एमसीक्यू का वीडियो ये है, बहुत ध्यान से देखिए और इन एमसीक्यू को अपने कॉपी में लिखिए और अच्छे से स्टडी भी करिए, ठीक है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हमारा जो 9th एमसीक्यू है, मैंने 8th जो है लास्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया है, जो 9th एमसीक्यू है वो हम पढ़ते हैं कि वो क्या है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है जो हम सबको पता है। हम लोग जाते हैं यू नो डॉक्टर के पास, तो वो ब्लड प्रेशर हर पेशेंट का सबसे पहले वो देखते हैं। तो उस मशीन को क्या कहते हैं, देखा तो है हम लोग ने उस मशीन को, बट कहते क्या है ये हमें नहीं पता है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो उसमें जब ब्लड प्रेशर आया था तो मैंने ये चीज़ बताई थी और इंस्ट्रूमेंट को भी मैंने ड्रॉ किया था, तो आई थिंक याद होगा और ऑप्शन में भी वो दिख रहा है तो आप जल्दी से टिक भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैनोमीटर, सेकंड है स्फेगोमैनोमीटर, सी है बैरोमीटर एंड डी है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन देख के समझ में आ गया कौन सी चीज हमने पढ़ी है। इन तीन ऑप्शन को तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन को पढ़ा हुआ है, स्फेगोमैनोमीटर को पढ़ा हुआ है। जी हाँ, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, स्फेगोमैनोमीटर। ये है करेक्ट आंसर जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर यानी बीपी की जो मशीन होती है वो नापी जाती है, उसमें हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं, उसमें जो पारा होता है उसमें ब्लड प्रेशर किस तरह से अप डाउन हो रहा है उसको हम देखते हैं। तो इन तीन ऑप्शन के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है, एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है जो जाना पहचाना लग रहा है, तो वो है स्फेगोमैनोमीटर, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एंजाइम इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड MIAS, ठीक है। तो जब हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल में, जब स्टमक का पार्ट आया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो HCl होता है जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जब वो प्रोवाइड करता है तो एक एंजाइम होता है जो एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो HCl एक्टिवेट नहीं होगा, एसिडिक मीडियम नहीं होगा, तो एंजाइम भी एक्टिवेट नहीं होगा। ये मैंने बहुत बार उस वीडियो में बताया है, इसलिए वीडियो को हम बहुत शॉर्ट में लेके चल रहे थे, बहुत स्लोली स्लोली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर डाउट है तो यू नो डाइजेशन में के वीडियो में जाइए, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो पेप्सिन जो होता है वो एक एंजाइम होता है, जब HCl अपना एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है तो ये एंजाइम जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, पेप्सिन है। कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एंजाइम इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम जब HCl एक्टिवेट होकर एसिडिक मीडियम देता है तो पेप्सिन जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी भी यू नो फ्रेश पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। वुमेन्स कैप्सूल इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, भाई ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन। इन सब में से तो हम लोग ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ लिया है, किडनी भी पढ़ लिया है, ब्रेन भी यू नो हार्ट भी पढ़ लिया है। ब्रेन हम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वुमेन्स कैप्सूल हम लोग ने पढ़ा है, अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है। तो वुमेन्स कैप्सूल जो होता है नेफ्रॉन का पार्ट होता है, और नेफ्रॉन किसका यूनिट होता है, किडनी का यूनिट होता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है किडनी, उसके अंदर ढेर सारे मिलियंस ऑफ नंबर में नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो एक्सक्रीटरी यूनिट होता है किडनी में, और उसी का एक पार्ट होता है वुमेन्स कैप्सूल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, किडनी है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कोई पार्ट ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ यूनिट ही नहीं पाई जाती है।
ठीक है, हार्ट में का भी डायग्राम हमने इतनी बार बना लिया, इतनी बार देख लिया कि उसके हर एक पार्ट आपको याद हो गए, तो उसमें भी कुछ बोमिन कैप्सूल जैसा कुछ भी नहीं था और ब्रेन में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन यील्ड, जब वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है। तो जब वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसमें 38 एटीपी, 36 एटीपी, 83 एटीपी और 35 एटीपी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 35 तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, 83 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, 36 कुछ सुना सुना लग रहा है या 38 सुना सुना लग रहा है, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई 36 है सही आंसर कि 38 है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 38 ATP। 30 ATP जो बनता है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया, यहाँ पे भी ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यहाँ पे भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो जो भी हमारा सीट मिलेगी उसमें आप उस चीज़ों को ब्लैक करते जाएंगे, ए बी सी डी ऑप्शन में जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज टू पाइरूवेट टेक प्लेस, ठीक है। तो जब वो ग्लूकोज का यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बना, बट यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है क्यों? पाइरूवेट में कट ग्लूकोज का चेंज हो रहा है, पाइरूवेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, लंग्स है एंड साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस में ऐसा कुछ भी रिएक्शन हम लोग ने नहीं देखा है, लंग्स तो इसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है। लंग्स में तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं पाई जाती है। तो हाँ, आया साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत ही नियरेस्ट हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बट अगर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की पाइरूवेट में, यानी फर्स्ट रिएक्शन है ये जिसमें ग्लूकोज जो होता है पाइरूवेट में चेंज होता है, और फर्स्ट जो चीज़ें चेंज होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं, उसके बाद जब ऑक्सीजन आता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, हमने ये भी चीज़ पढ़ी हुई है और हमने इसको पूरा का पूरा बोर्ड पे विथ रिएक्शन एक्सप्लेन किया हुआ था। तो प्लीज़ उस वीडियोज़ में जाइए अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी होगी तो आंसर आपको अच्छे से आता होगा। तो जो कंप्लीट जो ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का पाइरूवेट में, वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म में जब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके बाद पाइरूवेट कहाँ जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये कौन सी रिएक्शन दिखा रहा है? ये एरोबिक रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर क्या होता है? 80/120 mmHg होता है, कि 120/80 mmHg होता है, कि 100/80 mmHg होता है, कि 80/100 mmHg होता है। तो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। ये हमेशा ध्यान रखना है कि 120 ऊपर होगा, उसके बाद 80 जो होता है वो नीचे होगा। तो 120/80 mmHg जो होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि यूरिक एसिड इज द मेन एस्केटिव प्रोडक्ट ऑफ, किसका एस्केटिव प्रोडक्ट है यूरिक एसिड? इंसेक्ट का, बर्ड का, टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल्स का या ह्यूमन बींग का? तो ह्यूमन बींग तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूरिया जो होता है वो ह्यूमन बींग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, बट यूरिक एसिड जो होता है, जब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पूरा एक चार्ट बनाया था और उसमें देखा था किस किस एनिमल्स के क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे कि इंसेक्ट, बर्ड,
और टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सारे किसमें आ रहे हैं, यूरिक एसिड ही इनका एस्केटिव प्रोडक्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट में देखो आप ए बी एंड सी, इस टाइप का भी आता है कि ऑप्शन तो आपको दे दिया होगा, उसके बाद भी कुछ ऑप्शन दिया होगा कि इसमें से दोनों हैं, इसमें से कि एक ही है, कि ऑल ऑफ देम है, इस टाइप के भी ऑप्शन आते हैं। तो आप बहुत केयरफुल होके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो देखो पहले ए बी सी डी में ऑप्शन दे दिया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि ए बी सी हो सकता है, या बी और ए बी सिर्फ हो सकता है, या फिर बी और डी हो सकता है, या फिर ए और सी हो सकता है। कितना कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो तीन ऑप्शन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ह्यूमन बींग का तो बहुत क्लियर है कि वो यूरिया होता है भाई, उसका तो बहुत क्लियर, आप उसको ऑलरेडी हटा दोगे। बट कुछ ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं ना जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप ए और बी भी आपको लगेगा सही है, आपको सी भी लगेगा सही है, तो ऑप्शन तो कई ठो मिल रहे हैं आपको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं यानी इंसेक्ट, जो बर्ड्स होते हैं और रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं, उनका जो भी यू नो मेन एस्केटिव प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो प्लीज़ इसको आप टिक करें, फर्स्ट जो आंसर है विच इज़ करेक्ट आंसर, बिकॉज हेयर इट सेज कि ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो हमारा जो फिफ्टीन क्वेश्चन हुआ, यूरिक एसिड किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो इंसेक्ट, बर्ड एंड टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है, ह्यूमन बींग का तो हो ही नहीं सकता। तो अभी तक के एमसीक्यू बहुत ईजी समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं लग रहा है। ये हो गया ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, ये ऐसा यू नो एसिडिक मीडियम में कौन सा एंजाइम जो होगा एक्टिवेट होगा, ये स्टमक में के पोर्शन में हमने पढ़ा था कि पेप्सिन तब एक्टिवेट होता है जब एसिडिक मीडियम बढ़ने लगता है। उसके बाद वुमेंस कैप्सूल के बारे में हमने पढ़ा ही है कि वो किडनी में ही पाया जाता है। उसके बाद वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जब फुल्ली ऑक्सीडेशन होता है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है। उसके बाद ग्लूकोज जो पाइरूवेट में चेंज होता है तो किस उसमें होता है, पार्ट में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। उसके बाद यूरिक एसिड की बात आ रही है तो वो इंसेक्ट, बर्ड और टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स का हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ह्यूमन बींग का नहीं होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कम टू द अनदर क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, अब हम लेके आए कुछ न्यू क्वेश्चंस, आते हैं उन क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कम टू द 16 क्वेश्चन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ कट और वुंड इज ब्रॉट अबाउट। कोगुलेशन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, जब हमको चोट लग जाती है, उंड्स हो जाते हैं, किसी टाइप की चोट लगने पे जो ब्लीडिंग होती है जब कुछ देर के बाद, तो उसमें यू नो क्लॉट जम जाता है, ब्लड बहना रुक जाता है, उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, उसका दूसरा टर्म है कोगुलेशन। तो हो सकता है क्वेश्चन ब्लड क्लॉटिंग कह के भी आ जाए या तो क्वेश्चन कोगुलेशन कह के भी आ जाए, तो हमें सारे टर्म्स पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोगुलेशन लिखा हुआ है ताकि आपको उस टर्म के बारे में पता हो। तो कोगुलेशन मीन्स ब्लड क्लॉटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। तो जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें ब्लड का कौन सा पार्ट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, यही क्वेश्चन है कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ कट और वुंड इज ब्रॉट अबाउट, किसके यू नो जरिए वो चीज़ें जो होती है क्लॉटिंग होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा, सेकेंड है प्लेटलेट्स, थर्ड है WBC एंड डी वाला जो है RBC। प्लाज्मा भी ब्लड का पार्ट होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, WBC भी होता है, RBC भी होता है। बट जब हम ब्लड पढ़ रहे थे तो सबके फंक्शन अलग थे, सबका यू नो स्ट्रक्चर अलग था, सबका काम करने का तरीका अलग था, ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करी थी। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए क्लॉटिंग में जो पार्ट ब्लड का यूज होता है, जो ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, वो क्या होता है, क्या होता है, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है वो हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में। WBC तो फाइट करेगा,
डब्ल्यूबीसी तो एंटीबायोटिक बॉडी बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा और फाइट करेगा किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स से। आरबीसी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है चारों जो भी पार्ट है ब्लड का। बट हमारा जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है कि प्लेटलेट्स इज यू नो यूज फॉर द कॉगुलेशन व्हेन वी आर यू नो इंजर्ड और यू नो ब्लीडिंग जब भी होती है। तो ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 17th क्वेश्चन पे। द प्रोसीजर ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाई यूजिंग अ किडनी मशीन इज नोन एज। किडनी मशीन की बात हम लोगों ने की थी कि ऐसे पर्सन जिनका किडनी वर्क नहीं करता है, मे बी उनको कोई इंजरी की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, या किसी भी टाइप से उनका किडनी डैमेज हो चुका हो जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। हमने बोला है कि बॉडी के और जैसे लंग्स लीवर ये सब का कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट में कि वो किसी तरह से सही हो सकता है या कुछ पार्ट हो तो और बाकी के पार्ट अच्छे से वर्क कर सकते हैं। बट किडनी ऐसी चीज़ है कि अगर वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया तो नई किडनी लगा सकते हैं, बट उसका भी मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो किडनी बहुत बहुत ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है जिसको हमें बहुत केयरफुल अपने बॉडी में अच्छे से रखना है। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ये चीज़ हमने बताया था, और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही पूछ रहा है कि अगर किसी का किडनी डैमेज हो गया तो हम किडनी मशीन उसकी जगह पे यूज़ करते हैं, बट वो किडनी मशीन को हम क्या कहते हैं जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन या क्लीन करने में यूज़ होती है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कीटोलिसिस, सेकेंड है हाइड्रोलिसिस, थर्ड है डायलिसिस एंड फोर्थ है फोटोलिसिस। ठीक है, तो हम फोटोलिसिस पढ़े थे, हाइड्रोलिसिस के बारे में भी हम जानते हैं, बट ये सब किडनी से रिलेटेड नहीं है, ये सब किडनी से रिलेटेड नहीं है। हम बात करेंगे अगर किडनी की तो वहाँ पे डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो किडनी का वर्क करती है कुछ टाइम के लिए, और यू नो उस पर लोग डिपेंड होके डायलिसिस करवाते हैं, उस मशीन से अपने ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं अगर उनकी किडनी डैमेज हो चुकी है। तो किडनी मशीन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायलिसिस प्रोग्राम, डायलिसिस मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रोसीजर होता है जिससे ब्लड क्लीन होता है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एस्क्रिटरी ऑर्गन्स इन एन अर्थवॉर्म आर नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन, रेफिट्स, यूरेटर्स। यूरेटर्स तो हमें पता है कि किडनी से निकलता जो पाइप है वो यूरेटर कहलाता है। नेफ्रॉन हमें पता है कि किडनी में यूनिट पाई जाती है, बट ये सब किस में है, ये सब ह्यूमन बींग की बात हो है, ह्यूमन बींग में होते हैं। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्थवॉर्म की, किसकी बात कर रहे हैं, अर्थवॉर्म की। तो अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को और अर्थवॉर्म में बाहर निकालते हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म का स्किन बहुत मॉइस्ट होता है, बहुत चिकना चिकना सा होता है, चिपचिपा सा, और उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वही एस्क्रिटरी ऑर्गन्स होता है जिसको हम नेफ्रिडिया कहते हैं। तो अर्थवर्म में कौन सा एस्क्रिटरी ऑर्गन्स है, नेफ्रिडिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेव ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी व्हेन ब्लड इज फोर्स इनटू इट इज कॉल्ड। अगर ब्लड में आर्टरी में ब्लड बह रही है, अगर उस ब्लड की फोर्स से आर्टरी एक्सपेंड होती है तो उस टर्म को, उस वेव को हम क्या कहते हैं, फ्लो, हार्टबीट। हार्टबीट तो हमने क्या पढ़ा था, हार्टबीट कैसे होता है, हार्टबीट तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आर्टरी फूल गई तो हार्टबीट हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हार्टबीट वही होता है ना साइनो आर्टरी नोड्स पर जब आती है ब्लड, जब ब्लड आता है तो उसके जनरेट होता है पल्सेस, इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो पूरी बॉडी पूरे हार्ट में फैलती हैं। तो हार्टबीट नहीं है, ये टिकली ये भी नहीं है,
तो पल्स पल्स में जो होता है आर्टरीज पे ब्लड का प्रेशर पड़ता है और आर्टरी जो होती है एक्सपेंड होती है और उसमें पल्सेस जो होती हैं उसको नापते हैं कि कैसा पल्सेस क्या उनकी डिप हो रही है कि पल्सेस सही हैं, ये हम देखते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एनिमल हैविंग डबल सर्कुलेशन इन अ थ्री चैम्बर हार्ट। थ्री चैम्बर हार्ट किसमें होता है, किसमें होता है? हम अगर चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम स्मॉलेस्ट से बिगर यानी सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स की ओर पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स जो होते हैं सबसे एडवांस यू नो डेवलप एनिमल्स है, तो जिनमें फोर चैम्बर्स हार्ट होता है और डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। बट उससे पहले के एनिमल्स की बात करें रेप्टाइल्स वगैरह की, उसमें क्या होता है हार्ट पूरी तरह से फोर चैम्बर में डिवाइड नहीं होता है। उसमें हार्ट जो होता है थ्री चैम्बर में होता है, लेफ्ट और राइट ऑरिकल होता है और एक वेंटिकल होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है। मगर यहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिश डियर स्पैरो ये सारी चीज़ें रेप्टाइल्स तो है नहीं, तो हमारे रेप्टाइल्स क्या है स्नेक जो होता है वो एक रेप्टाइल है और उसमें डबल सर्कुलेशन विथ थ्री चैम्बर्स हार्ट पाया जाता है। तो आज का हमारा इस वीडियो का एमसीक्यू सॉल्व हो गया है। कुछ भी डाउट अभी भी हो तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यू लेके आएंगे। आई होप अभी तक का एमसीक्यू आपको समझ में आ रहा हो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारे चैनल और हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।